महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने दो प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। आइए हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई के बाद भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी, क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है, और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे।